दादा एक पत्रकार परिषद झाली होती आणि त्या पत्रकार परिषदेचे आरोप झाले बोललं पाहिजे तुम्ही त्याच्याबद्दल बोला ना पत्रकार परिषदेच्या काढले मी आता नगरमध्ये एक बीजेपीची पत्रकार परिषद झाली होती ज्यामध्ये काही आरोप प्रत्यारोप झाले होते त्याच्याबद्दलही बोला मला माहिती नाही संपले का तुमच्यातले म्हणजे शिवसेना बीजेपी सेवा ही मेरी पहचान शंकर सोनेजा सेवा ही जिनकी पहचान वो हैं शंकर सोनेजा फ्री मालेगांव का काढ़ा फ्री जोड़ों के दर्द का तेल फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा सेवा का लाभ उठाइए सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा असाजला यो रिश्तो में टिकदम लकी आ इयां सोकरो शोकरी बाहर वञनि त होटल में वधीक खर्च बि लॻनि था ऐं टाइम बि लॻी थो वञे त रिश्तो मीट कॉन्फ्रेंस हॉल में अचनि था सभु ॼणा मीटअप कनि था ऐं टाइम सेविंग बि आहे असां जीअं आयासीं असांजो कमु थियो अठनि ॾींहंनि में त हिते जेके अचनि था उन्हनि जो बि तकिड़ो कमु सुठो थी वञे ऐं सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां थिए त ॾाढो सुठी ॻाल्हि आहे रिश्तो डॉट कॉम सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी नमस्कार मैं राजेश दलवानी आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन श्री राम हाथ ऊपर करके और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और आज यहाँ पर आने के बाद उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री जो बनाई है उसमें जो 500 साल हम सभी को जो राह देखनी पड़ी और 500 साल के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आनंद तुम्हें और हमें दिया उसका आप सभी लोग 22 जनवरी 2024 पूरा देश और पूरे जगत का हिंदू जन ये जो आनंद ले रहा है अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण और राम लल्ला का प्रतिष्ठापना ये दोनों चीज जो स्वप्न तुमने और हमने हमारे पूर्वजों ने देखा था वो आज साकार हुआ है और ये डॉक्यूमेंट्री में पूरा जो इतने साल जो 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 चीज़ें घटती रही जो जिसके अंदर जिन जिन लोगों ने प्रयास किए वो सभी चीज़ों का वर्णन इस डॉक्यूमेंट्री में किया गया है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्री देखने का भी अवसर मिला धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र विनती है कि आप सीधे मंच पर आएं हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी
सब के मध्य राम जी की कृपा उन पर रहे, यश बढ़े, उनका मान बढ़े और इसी तरह से विजयी होते रहे। और जो भगवान राम की संस्तुति के लिए संकल्पबद्ध है, प्रभु करे वो कृपा इन पर और बनी रहे। मैं इस समय याद करता हूँ हमारे धर्मवीर आनंद जी, उनका पुण्य स्मरण इसलिए कर रहा हूँ कि थाना में जब पहला कार्यक्रम हमारा हुआ था तो धर्मवीर आनंद दिघे उसमें प्रमुख भूमिका निभा रहे थे और उस भूमिका में एकनाथ शिंदे जी, उनका भी योगदान कम नहीं था। हम लोगों का बहुत प्रेम है और अब मैं उनके सुपुत्र को आगे बढ़ता हुआ देखता हूँ, मुझे लगता है कि शिंदे परिवार उन्नति कर रहा है, दिलों को जीत रहा है। भगवान करे ये झंडा ऐसे ही उज्ज्वल रहे। बहुत मंगल कामना और बहुत संयोग की बात रही कि मैं अभी निकलने वाला था, ठीक समय पर आ गए। बस ऐसे समय पर आते रहें, ठीक मौके पर आते रहें, तो मंगल कामना मेरी। और सब जानते हैं कि इस समय एक युग परिवर्तन का समय चल रहा है, महाराष्ट्र के लिए भी ये एक अभ्युदय का है समय है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे बहुत बड़ी प्रगति, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे काम, क्योंकि जिस तरह से इस समय भावनाएं बनी है, मुझे लगता है महाराष्ट्र अपनी बहुत बड़ी पहचान बनाएगा। मेरी शुभकामनाएं। जय श्री राम। बहुत समय बाद बापू जी का दर्शन यहाँ पर हुआ। मैं आते ही इन सभी को बता रहा था कि इनका जो स्नेह और लगाव दिघे साहब जी से और अभी के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से बहुत ही पारिवारिक और घनिष्ठ संबंध जो है बापू जी का शिंदे साहब से है। बड़े बड़े कार्यक्रम जो है थाने में बहुत सालों पहले होते थे, उस कार्यक्रम में हमारा भी जो है आना वहाँ पर होता था, लेकिन आज जो है सही समय पर यहाँ पर आना हुआ, आपके आशीर्वाद जो है हमें यहाँ पर मिले। मुझे लगता है कि महाराज जी के माध्यम से, बापू जी के माध्यम से बहुत नेक काम जो है, बड़ा काम बहुत कई सालों से यहाँ पर करते आ रहे हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम जो है, हमारे आगे पीढ़ी तक पहुँचाने का काम जो है बापू जी यहाँ पर कर रहे हैं। और इतने सालों से वो नेक काम जो है आज भी चलता आ रहा है। मैं आते ही हमारे लोगों को मैंने कहा कि बापू जी यहाँ पर है, बहुत बड़ी हस्ती जो है आज उल्लासनगर में आई है। मैं बोला इनका आज अच्छा दिन है यहाँ पर। और कार्यक्रम करते करते बापू जी चुनाव क्षेत्र में आने में थोड़ा लेट हो गया, इनको मैंने कहा था 9:30 तक आऊँगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपका भी आशीर्वाद मिला, आशीर्वाद जनता पूरी साथ में। बहुत 10 साल हो गए आज, 10 सालों से लोगों का प्रेम स्नेह, इन सभी का आशीर्वाद है, इन सभी का प्रेम है, लगाव है, और इस लगाव से, प्रेम से, आशीर्वाद के बलबूते पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के आशीर्वाद से। और आपने जैसे कहा कि महाराष्ट्र एक अलग चरण सीमा पर जो है ये पहुँचने वाला राज्य है, जिस तरीके से यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब उनके साथ में, और अजीत दादा भी तो अभी साथ में ही है, तो इन तीनों मिलकर जो है ये महाराष्ट्र का एक अलग लेवल पर देखे जाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बड़े तौर पर डेवलपमेंट का काम यहाँ पर हो रहा है, उल्लासनगर में भी हो रहा है। तो मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आशीर्वाद ऐसे ही हमारे पर सभी पर बनाए रखे, ऐसी इच्छा यहाँ पर व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उल्लासनगर कैंप एक स्थित गोल मैदान पर बनाई गई राम मंदिर की प्रतिकीर्ति देखने और मंदिर में विराजमान
प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंदर चौहान और खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे दर्शन करने पहुंचे थे। जहाँ सुधांशु जी महाराज से भी मुलाकात की, वहीं पिछले दिनों उल्लासनगर महानगर पालिका के टेंडर घोटाले को लेकर बीजेपी की ली गई पत्रकार परिषद पर सवाल पूछे जाने पर जय श्री राम के नारे की घोषणा करते दोनों नेता बिना कुछ बताए निकल गए, जहाँ उनके साथ उल्लासनगर के आमदार कुमार एलानी, अंबरनाथ शहर के आमदार बालाजी किनिकर, बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी, जमनू पुरस्वाणी, पूर्व महापौर मीना कुमार एलानी, महेश सुक्रमानी, राजेश वद्रिया, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक, कार्यकर्ता व नागरिक बड़ी संख्या में वहाँ उपस्थित रहे। खरतर उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी आणि इथले असणाऱ्या सर्व उल्लासनगर वासियांनी या ठिकाणी अतिशय चांगला असा हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे। रामकथा या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। भव्य अशी अयोध्यामध्ये जसं श्रीरामाचं मंदिर उभं राहिलं आहे, त्याच पद्धतीची एक प्रतिकृतीसुद्धा या ठिकाणी उभी केलेली आहे। मी खरं तर या ठिकाणी आल्यानंतर एक संपूर्ण उल्हासनगरचं वातावरण हे गेली काही दिवस आपण पाहताय संपूर्ण राममय झालेलं आहे आणि संपूर्ण इथला असणारा उल्हासनगरमधील असणारे प्रत्येक जे श्रीरामाचे भक्त आहेत ते प्रत्येकजण इथे येत आहेत आणि ते स्वतः येऊन या ठिकाणी दर्शन घेत आहेत आणि भक्तिमय होण्याचा प्रयत्न करतात। धन्यवाद दादा। एक पत्रकार परिषद झाली होती आणि त्या पत्रकार परिषदेचे आरोप झाले, त्याबद्दल बोललं पाहिजे तुम्ही। त्याच्याबद्दल बोला ना दादा, पत्रकार परिषदेच्या चार वेळा काढले मी आता बाजूला तुम्ही बाजूला। आज या ठिकाणी उल्हासनगरच्या गोल मैदानमध्ये गेल्या 22 तारखेपासून या भव्य राम मंदिराची प्रतिकृती जी आहे ती या ठिकाणी कुमार ऐलानी जी असतील, प्रदीप रामचंदानी असतील, त्याचबरोबर बाकी सगळेच पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांच्या सगळ्यांच्या सहयोगाने जे आहे पुढाकाराने हे राम मंदिराची प्रतिकृती या ठिकाणी उभी केली, जी हुबेहूब जी आहे ती अयोध्याचं प्रभू श्रीरामांचं मंदिर कसं आहे तशी ती दिसते। हजारो लोक रोज येऊन जे आहे ते या ठिकाणी दर्शन घेत आहेत। मला वाटतं हे खूप चांगलं उत्साहाचं वातावरण सगळीकडे आहे। 22 तारखेपासून जा उत्साह सुरू झाला तो उत्साह आजही तसाच आहे, त्याच्यापेक्षा जो आहे तो उत्साह वाढत चाललेला आहे। वेगवेगळे कार्यक्रम वेगवेगळ्या भागामध्ये लोक घेत आहेत। स्वतः 22 तारखेला आपण पाहिलं असेल की प्रत्येक गल्लीमध्ये जे आहे हे त्या कार्यक्रमाचा उत्साह त्या ठिकाणी होता आणि आज या गोल मैदानामध्ये या मंदिरामध्ये दर्शन घेऊन खूप चांगला अनुभव जो आहे तो या ठिकाणी आलेला आहे। मी या सगळ्या मंडळींचा या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद व्यक्त करतो की खूप चांगली संकल्पना जी आहे ती या ठिकाणी त्यांनी केलेली आहे, जेणेकरून ज्यांना लगेचच अयोध्येला जायला मिळणार नाही त्यांना या ठिकाणी जे आहेत प्रभू श्रीरामांचं दर्शन जे आहे ते या ठिकाणी घेता येईल। या ठिकाणी सुधांशु महाराज देखील या ठिकाणी आले होते, त्यांनी देखील आशीर्वाद जो आहे तो लोकांना या ठिकाणी दिला, प्रवचन या ठिकाणी दिलेलं आहे लोकांना। मला वाटतं धर्माचं काम, आपल्या संस्कृतीला पुढे घेऊन जाण्याचं काम, पुढच्या पिढीला देण्याचं काम ही मंडळी जी आहेत या ठिकाणी करतात। काही दिवसांपूर्वी उल्हासनगरमध्ये एक बीजेपीची पत्रकार परिषद झाली होती ज्यामध्ये काही आरोप प्रत्यारोप झाले होते, त्याच्याबद्दलही बोला। मला माहिती नाही संपले का तुमच्यातले म्हणजे शिवसेना बीजेपी म्हणजे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब जो हमेशा उनका सहयोग रहता है हमें और अपने व्यस्त समय से समय निकाल कर आज उन्होंने यहाँ पर दर्शन किया और हमारा हौसला बढ़ाया, उसी आधार पर हमारे श्रीकांत शिंदे जो कि यहाँ के सांसद हैं वह भी आए और आज पूरा दिन देखा जाए तो हमारे कृष्णानंद सरस्वती महाराज ने प्रवचन किया, सुधांशु महाराज ने प्रवचन किया, उसके बाद महिलाओं ने हल्दी कुंकू का कार्यक्रम किया। आज एक बहुत ही सफल दिन रहा राम भक्तों के लिए। इतने बड़े नेता मुख्यमंत्री के सुपुत्र आए, उन्होंने प्रशंसा की, उन्होंने कहा मंदिर बहुत अच्छा बनाया है और इस तरह के काम करने चाहिए, साथ में
कृष्णानंद सरस्वती ने हमें आशीर्वाद दिया, सुधांशु महाराज ने तो कहा कि जो उल्लासनगर है वह धर्म की नगरी है। कुल मिलाकर जब ऐसे बड़े नेता और संतों का आशीर्वाद मिलता है तो काम करने की जब पीठ फिर थपथपाई जाती है तो एक संतुष्टि का भाव आता है, मन में खुशी होती है और आगे भी इस तरह से धर्म का और हिंदुत्व का काम करने के लिए हमारी में ऊर्जा भर जाती है और आगे भी हम इसी तरह से काम करेंगे। क्योंकि कुल मिलाकर आप पत्रकारों का भी मैं धन्यवाद करूंगा, आपने समय समय पर इसकी जितनी भी कवरेज आपने दी है, कुल मिलाकर सभी लोग धर्म का ही काम कर रहे हैं, सनातन का काम कर रहे हैं। क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, आपका पत्रकारिता है, हमारा राजनीति है, संत समाजों का साधुवाद है, सब कुछ अलग अलग एक ही काम में लगे हुए हैं। पूरा देश राममय हुआ है, उससे उल्लासनगर भी अछूता नहीं है। और मैं सभी लोगों का आभारी हूँ कि आज हमारे शहर में आए और उन्होंने शहर के इस राम मंदिर में दर्शन कर सभी उल्लासनगर आसवासियों को आशीर्वाद दिया। प्रदीप जी, कुछ दिन पहले आपने एक पत्रकार परिषद ली थी और उसमें कुछ आरोप लगाए थे टेंडर के बारे में, वो विषय अभी खत्म हो गया है, आपने जो 15 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया था उस बारे में जरा बताइए। जय श्री राम। लोकसभा के चुनाव को अब ज्यादा समय नहीं रहा, जहां चुनाव की सरगर्मियां भी उल्लासनगर में तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।